लो दोस्तों, तो फिर साडा मोटरसाइकिल हो गया जो पेंचर, तो तीन बंदे बैठे सी, हुण वाक हो रही है पैदल। तो पंजाबी विच आ ही जांदा बंदा जो माड़े सफर बंदे दा नुकसान हुंदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम निकले हैं लाहौर की सड़कों पर। आज फिर कुछ प्लान बनाए खाने के, या तो देखते हैं। हम तीन दोस्त निकले हैं, थ्री इडियट्स निकल गए हैं बाहर कुछ खाने के लिए। तो दोस्तों, आज पैसे निकलवा लिए एटीएम से, तो अब चलते हैं, देखते हैं लाहौर की सड़कें हमें कहाँ लेके जाती हैं। पैसे आज हम निकलवा जा लिए रहे हैं गरीब बंदे ने, इसहाक पुलाव। इसहाक पुलाव पे जा रहे हैं जी। लो के जी, पास कच्ची बाजारी है, वहाँ पे बड़ा मशहूर इसहाक पुलाव, वीआईपी टेस्ट, उधर जा रहे हैं। बेहतरीन किस्म का टेस्ट है उनका, हमारे भाई बता रहे हैं। तो गरीब बंदे ने एटीएम मार दिया। आप एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना जी चाहूंगा जी अमर भाई, जो है ना इसहाक पुलाव एक रीजनेबल और बेस्ट क्वालिटी फूड है। क्या आपको साथ में 250 में जो है ना आपको चिकन पीस, चावल और जो है ना आपको साथ में कबाब, ये एक सेवर रायता भी, मतलब चावल और मतलब आप जो है ना एक सेवर का कंपैरिजन कर सकते हैं। आप कराची बिरयानी का कर सकते हैं, आप मास्टर बिरयानी का कर सकते हैं। आप क्या 3 लीटर पेट्रोल पाया मैं। लो दोस्तों, तो फिर साडा मोटरसाइकिल हो गया जो पेंचर, ते तीन बंदे बैठे सी, हुण वाक हो रही है पैदल। ये पंजाबी विच आ ही जांदा बंदा जो माड़े सफर, बंदे दा नुकसान हुंदा। अभी तो सफर शुरू ही हुआ था और साथ ही जो है ना इख्तिताम भी पहुंच गया। फुरकान भाई हमारे मोटरसाइकिल को खींच रहे हैं, तो हम पैदल जा रहे हैं अभी। जो थाकले में तुसी भी ले ले हिस्सा आगे। अभी हम खवारी काटेंगे, लेकिन साग पुलाव का प्लान तो ओके है, वो डिले नहीं कर सकते हम। चावलों के तो शिकारी हैं, चावल तो छोड़ ही नहीं ना सकते इनको। क्या पैदल जाके अगर आपने लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने में चावल बांटे जा रहे हैं, वो भी जाके खाएंगे। चावल नहीं माफी है चावलों के लिए। तो दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं आधा घंटा जलील होने के बाद पेंचर वाली दुकान पर, लेकिन हमारे भाई जो कह रहे हैं, फुरकान भाई कह रहे हैं कि पुलाव का प्लान कैंसिल नहीं करना। फुरकान भाई चलिए वापस। जी दोस्तों, अभी हम जो है ना बाजार के अंदर आ चुके हैं और रश ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादातर बाइक वाले हैं और रिक्शे वाले ही हैं, लेकिन हम अच्छे खासे जलील हो चुके हैं आधा घंटा पंचर लगवा के। अब हम भाई को कह रहे हैं कि आप लेके आ जाए भाई, तो हम पैदल जा रहे हैं। हमारे भाई पहुंच गए होंगे जी दोस्तों। तो हम आधा घंटा जलील होने के बाद इसहाक पुलाव पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं इसहाक पुलाव वालों की तरफ। भाई अपना एड्रेस बता दें एक बार, एड्रेस बता दें कहाँ। शेरबाग कच्ची बाजारी में, शेरबाग के साथ एक और है हाफिज वाला, लेकिन इनका हमने टेस्ट किया, इनका काफ़ी ज़्यादा मज़े तक है। ये अभी एक और नया पतीला लेके आए हैं, ये हमारे भाई जो आपको यहाँ की पहचान मिलेंगे। साग पुलाव वाले सीटिंग बड़ी बेहतरीन है इनकी, और इसके साथ हम यहाँ पे आए हैं लाहौर में साग पुलाव वालों के। पुलाव खाना में आप दे दिया है, लेकिन अभी रश काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपके सामने दो तीन ऑर्डर 30-40 सेकंड में लग चुके हैं जो अभी आ चुके हैं, और साथ साथ जी दोस्तों, तो हमारा ऑर्डर आ गया है। ये देखें, हमने 200 वाली प्लेट लगवाई है दरमियानी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख थी नहीं हमें। हमारे भाई को तो चावलों के हर टाइम भूख रहती है, तो इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, हमने पहले भी खाया है। सर्विंग भी काफ़ी अच्छी है इनके साथ में, अभी रायते का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हमारे हम भाई से रिव्यू लेते हैं जी। उस्मान भाई, चिकन लिया है और छोटे चावल लिए हैं, और ये हमारे भाई सुनने के तरीके से बहुत मज़ेदार चावल हैं इनके। आप चावल खाते हैं उसमें जो ना आप डिफरेंट तरह की जो है ना टेस्ट पाएंगे, लेकिन इसमें जो ना यखनी का जो है ना उन्होंने टेस्ट टच किया है, लाजवाब है। सीटिंग भी इनकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, टीवी लगा हुआ है, आप लोग बैठ के एसी लगा हुआ है, इंजॉय करते हैं। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं, हम भी खाते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगला कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला आप किस जगह का रिव्यू देना चाहेंगे। तो ये हमें खाने के बाद प्लेट के बाद रिफिल मिला है, और ये फुरकान भाई हमारे खा रहे हैं।
हमने मतलब एक बार मैंने प्लेट फिनिश कर ली थी और उन्होंने दोबारा रिफ़िल दिया, 200 रुपये की प्लेट है और रिफ़िल भी अगर आपको मिले तो मैं कहता हूँ पैसा वसूल, ये डील है। इधर आए लाजमी एक बार खाएं, आपको टेस्ट मैं कहता हूँ रिव्यूज़ भी दिलाते हैं, टेस्ट इतना मज़े का है ना इनका, इतना मज़े का है कि क्या बात है। ये हमारे भाई की बस हो गई है क्योंकि उनको भूख नहीं थी। ये भाई है हमारे जो सबसे ज़्यादा खाते हैं इसलिए रिफ़िल मिला है, ये मैंने लाजमी ऐड किया है इसमें, इस वजह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। इधर तो लाजमी आए ना एक बार आप, लाहौर में कच्ची बाजारी के पास साग पुलाव वाला मशहूर है, आप लाजमी आ जाए खाएँ।